सही सही हो। अरे मंत्री को सही करवाना चाहता हूँ। मंत्री को मजाक करने का आदत पड़ गया है, कहा जाएगा बेचारा इसी परिवार का सदस्य है, इसलिए माफ कर दो। सुनो मंत्री, रात बहुत ज्यादा हो चुका है, ज्यादा मजाक करने से काम नहीं होगा। सुनो, तुम अच्छी तरह से इस दौरे में काम करो, तुम्हारे ऊपर कोई कोड़ा नहीं चले। नहीं ठीक है, जाओ कहो दिला। अगर आपके बुखार बिंदु से ये पानी निकला तो मुझे माइंड का राहत कर दिया। ठीक है दुलारे, ऐसा मंत्री अगर इस राज से चला जाएगा फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बचपन से ही अपना दरबार में काम करते आ रहा है, इसी मंत्री को रखना है। महाराज आज कौन खेल कर दे से पहले बता दियो महाराज, आज कौन खेल रखल गेल छे। आदरणीय माता एवं बहनों का जवान साथियों, आज की रात हम लोग अग्निकुंड का खेल दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। जो इसमें त्रुटि होगा अपना बच्चा समझ कर क्षमा करूंगा। हे नाथ, कहो बुला रहे। मैं आपसे कुछ विनती करता हूँ नाथ। क्या कहो, क्या विनती है? कत्तरदेव की रहने वाले जैसा सुंदर सिंहासन विराजमान करने वाले, मैं तो आपके चरणों का दास हूं नाथ। लेकिन हे भाई साहब, मुझे राज भक्ता में बैठा बैठा मुझे दिल नहीं लगता है नाथ, इसलिए मुझे दो रोज की छुट्टी चाहिए नाथ। क्या दो रोज का छुट्टी तुम्हें चाहिए? हाँ भाई साहब। नहीं मेरे भाई, मैं किसी जंगल जाकर के अपना दिल को बहलाऊ नाथ। मेरे दुलारे, तुम मुझसे दो रोज को छुट्टी लेकर के कहीं चले जाओगे, हफ्ता रोज गुजार दोगे, मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ? हे नाथ, आप चिंतित मत होइए, मैं बहुत जल्द ही आपके चरणों से लग जाऊंगा नाथ। ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्द लौट करके आ जाना। ठीक है भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। आयुष्मान आमें। अब मेरा भाई अपने सिंहासन पे विराजमान करने के लिए जा रहा हूं, तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा प्राप्त।
सासुर की पर्ची देती हूँ। क्योंकि जब तक मैं अपनी सासुर की पर्ची नहीं दूंगी, दुनिया वाली को छुटकारा मारेगा। हम दीदी के सुनियो, thank you।